केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकृत मंत्री ने कोचिकोट में कौशल विकास पुनर्वास और दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर सीआरसी के मुख्य भवन के ई उद्घाटन के दौरान ई न्यूज़लेटर का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकृत मंत्री ने अपने जिस क्षेत्र के लिए जिस तरीके से काम किया जा रहा है दिव्यांगजनों के लिए क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी कोचिकोड के मुख्य भवन के उद्घाटन के दौरान विभाग का पहला द्विमासिक ई समाचार पत्र का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ई न्यूज़लेटर का शुभारंभ एक सार्थक पहल है। इसमें दिव्यांग जनों को हर एक विकास के बारे में बताया जाएगा। जी हां, सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी और वे इसका लाभ ले सकेंगे। हमारी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमें उम्मीद है कि ये ई न्यूज़लेटर इस दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विभाग के पहले द्विमासिक ई न्यूज़लेटर के शुभारंभ के दौरान कहा, मुझे उम्मीद है कि विभाग इस ई न्यूज़लेटर को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जिस सेंटर का सीआरसी का जो उद्घाटन हुआ है जिस बिल्डिंग का उससे भी किस तरीके से लाभ मिलेगा वो भी हम आपको बताएं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ई जो न्यूज़लेटर है इससे भी दिव्यांग जनों को जिस तरीके से विभाग की जो योजनाएं चलाई जा रही सरकार के द्वारा उसकी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो इसके माध्यम से मिलेंगी। और सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट। सामाजिक न्याय मंत्री प्रोफेसर अरविंदो जी, वहां के हमारे लोकसभा में साथी सांसद श्री एम के राघवन जी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव सुश्री अंजलि भाबड़ा जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर सेठचक कोचिकोट डॉक्टर रोशन डिग्री जी, इसके साथ ही साथ संस्थान के फैकल्टी के सभी कर्मचारी और वहाँ पर आमंत्रित अतिथिगण, हमारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सम्मानित साथीगण, आज मुझे भारत रत्न 75 आज़ादी के अमृत महोत्सव की एक कड़ी के रूप में सीआरसी भवन कोचिकोट केरल के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को बधाई देना चाहता हूं। आज केरल में कोचिकोट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा सीआरसी का शुभारंभ किया जा रहा है और ये सीआरसी इसके पहले हमारे 7 राष्ट्रीय संस्थान 21 हमारे सीआरसी भवन ये ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं, 14 अर्ली इन्वेंटन सेंटर भी चल रहे हैं। उसी कड़ी में केरल में इस सीआरसी भवन के उद्घाटन के साथ ही उस क्षेत्र में हमारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों को उनको जहाँ एक और फिजियोथेरेपी के माध्यम से या उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के माध्यम से स्पीच थेरेपी के माध्यम से आर्डियोलॉजी के माध्यम से और क्लिनिकल साइकोलॉजी के इस थेरेपी के माध्यम से जहाँ एक और दिव्यांगजनों के लिए इन सारी सुविधाओं का लाभ उस क्षेत्र के दिव्यांगजनों को पहुँचाने में एक सार्थक पहल होगी। इसको बनाने में विभाग के द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है और लगभग 48,000 वर्ग फुट में जगह में इसका निर्माण कार्य किया गया है। इसके साथ ही साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा और एक द्विमासिक ई न्यूज़लेटर सार्थक शुरुआत आज की जा रही है जो प्रत्येक 2 माह में आगे चलकर इसको निकाला जाएगा। इसके माध्यम से सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के उनके कल्याण के लिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो तरह तरह की नीतियां कार्यक्रम और योजनाएं बनाए जाते हैं इनकी जानकारी इसके माध्यम से ई न्यूज़लेटर के माध्यम से दिव्यांगजनों आसानी से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन में सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए और उसको स्वयं पहल करके उसको आगे बढ़ा सकेंगे। हमारी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और इसमें सबका सामूहिक प्रयास। मुझे पूरा विश्वास है कि विभाग आज के इस सीआरसी भवन के उद्घाटन के साथ ही साथ ई न्यूज़लेटर का जो द्विमासिक जो शुरुआत की जा रही पत्रिका की यह पत्रिका आने वाले समय में दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी।